नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर के ग्राम कचरा में ओला प्रभावित किसानों को किया संबोधित, कहा किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम गिल्लौर में लोक कल्याण शिविर को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के ग्राम हरपुरा में किसानों को किया संबोधित। और खनिज साधन और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में खनिज विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई प्रदेश शासन द्वारा की जाएगी। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है, हम सभी मिलकर किसानों का संकट और परेशानी दूर करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवारा तहसील के ग्राम कचरा में किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों का 50% नुकसान होने पर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से राहत राशि प्रदान की जाएगी। प्रभावित किसानों से इस साल कर्ज की वसूली नहीं की जाएगी, कर्ज का एक साल का ब्याज सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल की खरीफ फसल के लिए किसानों को खाद बीज का कर्जा बिना ब्याज के दिया जाएगा। जिन किसानों की 50% फसल नष्ट हुई है उन्हें 1 रुपए किलो गेहूं, चावल और नमक अगली फसल आने तक प्रदान किया जाएगा। बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपए का चेक अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओला और पानी से प्रभावित एक एक खेत का सर्वेक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया जाएगा। दल के साथ ग्राम के पंच सरपंच भी शामिल रहेंगे। सर्वेक्षण कार्य में पूरी पारदर्शिता रहेगी। आपने कहा कि सर्वेक्षण के पश्चात आम नागरिकों के अवलोकन के लिए सूची ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इसमें किसी को भी आपत्ति होगी तो पुनः सर्वेक्षण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील के ग्राम हरपुरा में किसानों को संबोधित कर रहे थे। विगत 13 मार्च को जिले में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से काफी फसल प्रभावित हुई है। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंहस्थ 2016 के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में जाने वाले सिंहस्थ आमंत्रण मोटरसाइकिल रैली के द्वितीय चरण के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश सहित पूरी दुनिया में सिंहस्थ का प्रचार किया जा रहा है। आस्था और आध्यात्म के विश्व के सबसे बड़े समागम सिंहस्थ का आयोजन प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में किया जा रहा है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ समागम के दौरान उज्जैन में वैचारिक महाकुंभ भी होगा। इसके जरिए मानव कल्याण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दुनिया में जन जन तक पहुँच सकेगा। प्रदेश में वनाधिकार पट्टाधारियों को वानिकी और उद्यानिकी से संबंधित पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया गया कि सिवनी, बालाघाट, शाजापुर आदि जिलों में वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि पर वन औषधियों के साथ फसल प्रजातियों का पौधरोपण उत्साहवर्धक रहा है। वन मंत्री ने बताया कि वन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में वन मंडल अधिकारी को 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के कार्यों को स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से बेहतर संवाद के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वन कर्मियों के लिए विशेष कार्यशाला करने को भी कहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।